नमस्कार किसान भाई, राम कैलाश यादव हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज किसान भाई हम बात करने वाला हूं, आप देख पाएंगे यहां पर ये जो है मूंग की बुआई किया गया है और हम आपको दिखाऊंगी यहां पर जो है ये उड़द की बुआई किया गया है और उस साइड देखने को मिल रहा है वो भी उड़द है। बाकी यहाँ पर जो देखने को मिलेगा ये टोटल जो है आपको हम दिखाना चाहूँगा, यहाँ से जो है पूरा रोड तक वहाँ पर चले जाइए सीधा, वहाँ जहाँ तक दिख रहा है पूरा जो है मूंग की बुआई की गई है। तो हम किसान से आज जानते हैं कि यहाँ पर इनका टोटल जो है उड़द और मूंग मिला करके कितनी बुआई किया गया है और इनकी लागत कितनी लग गई है और सिंचाई वगैरह कैसे कर रहे हैं, खाद कैसे दे रहे हैं और पहली सिंचाई कब करेंगे या कर दिए हैं, खाद वगैरह कौन सा डालने वाले हैं, दवा कौन सा उपयोग करने वाले हैं और इसमें इन्हें कितना जो है बेनिफिट मिलेगा और इनका टोटल जो है लागत कितनी लगी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें, ऐसा वीडियो देखना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कॉमेंट ज़रूर करें। सर जी आप अपना नाम बता दीजिए। जीत लाल पांडे, गाँव सिंगाही, जिला प्रतापगढ़, थाना रानीगंज, उत्तर प्रदेश। आप जो है यहाँ पर उड़द और मूंग दोनों की खेती किए हैं? हाँ, दोनों किए हैं। ये कौन सा है, उड़द है कि मूंग है? ये है मूंग। मूंग है। मूंग लगभग कितने बीघा में किए हैं आप? कम से कम 5 बीघे। तो किसान भाई आप देख पाएंगे एक रहा इनका ये जो मूंग है और दूसरी जो हम आपको दिखाना चाहूँगा ये भी मूंग की बुआई किया गया है जो गेहूं कटाई करके ना, यहाँ पर किसान भाई आप देख पाए गेहूं कटाई करके जो है मूंग की बुआई की गई और सीधा देखेंगे जो वहाँ तक दिख रहा है ये सभी जो गेहूं की कटाई करके मूंग की बुआई किया गया है। और ये जो यहाँ पर बुआई किया गया है ये इसमें क्या था? सरसों था। सरसों। और इस साइड जो ये मटर का ये मूंग है और उस साइड उर्द है। उर्द है, ये भी उर्द है ना? हाँ, ये जो है मूंग है। तो इसकी सिंचाई आपके बुआई के कितने दिन बाद किए हैं? इसको एक महीने। एक महीने, तो लगभग एक महीने हो जाता है तब हमें जो है मूंग की सिंचाई करना चाहिए। हाँ, एक महीने करना चाहिए कि मौसम ऊपर जैसे रहे। मौसम ऊपर। तो इसमें आप लगभग टोटल जो है यहाँ से वहाँ तक जो बीज लगा है उड़द का और मूँग का, लगभग जुताई से लेकर के बीज से लेकर के खाद वगैरह कितना खर्च लगा होगा? 10,000। तो किसान भाई आप देख पाएंगे जो इनका बुआई किया गया उड़द और मूंग को मिलाकर कितना बीघा में है? 7 बीघे। 7 बीघा, यानी मूंग ज़्यादा है उड़द कम बुआई किया है। तो 5 बीघा जो है मूंग की बुआई है, 2 बीघा उड़द, 2 बीघा उड़द की है। तो टोटल 10,000 रुपया खर्च है। 10,000। तो इसमें जो है उड़द की सिंचाई का इसका हुआ है कि नहीं? अभी नहीं हुआ है। पहली वक्त सिंचाई? हाँ, वो हुआ नहीं है, बस सींचेंगे अब। तो उड़द जो है कितने दिन बाद सिंचाई किया जाता है? एक महीने पे। एक महीने पे अभी? हाँ। इसमें खर पतवार वगैरह किस तरह नियंत्रण करते हैं? अरे, इसको दवा डाला जाता है। दवा डालते हैं कि निराई गुड़ाई करवाते हैं? नहीं, दवा डाला जाता है बुआई के बाद, दवा डाला जाता है। कुछ लोग बोलते हैं दवा डालने से ग्रोथ रुक जाता है। हाँ, रुकता है कुछ, लेकिन इतना ज़्यादा मात्रा में बुआई किए हैं तो इसकी निराई गुड़ाई संभव नहीं है। नहीं नहीं ना? नहीं, अगर आप निराई गुड़ाई करना चाहेंगे तो मान लो कि दिक्कत हो जाए। तो सर जी जो ये मूंग की बुआई है किस महीने से शुरू होती है? मार्च से। मार्च में? हाँ। जो ये मूंग की बुआई है मार्च, लगभग कितने मार्च से हमें शुरू कर देना चाहिए? 5 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक। 20 अप्रैल? हाँ, 20 अप्रैल तक। आप ये कितने अप्रैल को बुआई किए थे इसको? मार्च में लगभग। ये मार्च में 10 मार्च को बुआई है। 10 मार्च को। और ये जो दिख रहा है अभी? ये 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल? हाँ, यानी कि मार्च अप्रैल। तो अगर कोई किसान भाई अप्रैल में बुआई करना चाहता है तो कब तक इन्हें कर लेना चाहिए मूंग की? लेटेस्ट 20 अप्रैल तक। 20 अप्रैल तक? हाँ। मतलब इससे ज़्यादा अगर जाते हैं तो फिर ठीक है? हाँ, हाँ, ना? हाँ, कुछ मिलेगा नहीं उसमें। तो किसान भाई देख पाएंगे इनका जो है काफ़ी दूर तक जो है मूंग ही मूंग है, आप दिखाना चाहूँगा। ये जो मूंग आप देख पा रहे हैं इसमें जो है गेहूं की बुआई की गई थी और गेहूं की कटाई करने के बाद जो है यहाँ पर मूँग की बुआई की गई है और यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये सरसों की जो है कटाई करने के बाद मूँग की जो है बुआई किया गया है।
और इस साइड भैया जो आपका है ये उड़द है ना? हाँ उड़द है। थोड़ा इधर आ जाइए, उस साइड भी दिखा देते हैं। तो जो उड़द की बुआई किया गया है, इसका जो है बुआई हमें किस महीने शुरू कर देना चाहिए? मार्च में। मार्च में ही? हाँ हाँ। कितनी मार्च लगभग? वही 5 अप्रैल से लेकर अस्कर वाला लास्ट मार्च तक, यानी 5 मई मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक। हाँ 5 अप्रैल तक। हाँ। यानी उससे ज़्यादा अगर समय बीतता है तो हमें ये मूंग का भी बुआई नहीं करना? नहीं नहीं। तो ये लगभग हमें जो इसमें बुआई आप किए हैं तो खाद वगैरह डाले थे कोई? डाई डाल के बोया गया है ये उड़द। हाँ उड़द। उड़द में लगभग कितनी मात्रा में डाई डाले थे आप? 10 किलो बीघा। 10 किलो बीघा। बीघा यानी 1 बीघा में? हाँ 10 किलो। 10 किलो। तो जब ये आप मूंग की बुआई किए हैं इसमें कौन सा खाद डाले हैं? डाई। डाई? हाँ, इसमें भी डाई डाले हैं। इसमें डाई क्या मात्रा दिए हैं? इसमें मूंग में अस्कर वाले में 1 किलो 20। 1 किलो का 20। तो डाई डालने से क्या बेनिफिट मिलता है? पेड़ तगड़ा होता है। पेड़ जो है तगड़ा होगा। हाँ, फल उसका मोटा निकला है। मोटा निकलेगा। अब इसकी तो पहले सिंचाई जब कर दिए हैं ये देख रहे हैं आप, तो इसमें अब जो है कौन सी खाद डालेंगे? यूरिया डालेंगे। यूरिया की मात्रा कितना रखते हैं? बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो बीघा। यानी 1 बीघा हो तो 10 किलो। हाँ 10 किलो। यानी 1 बीघा में 10 किलो, फिर कम नहीं हो रहेगा ज़्यादा? नहीं कम हो रहा है। कम हो रहा है। हाँ। तो इतना आप डालेंगे? हाँ इतना डालेंगे। जैसे इसका उड़द की सिंचाई कर देंगे। हाँ। इसमें जो है कितना? यह 10 किलो से लेकर 15 किलो तक। 10 से 15। हाँ, किलो। हाँ बीघा पर बीघा। हाँ। और किसान भी डालने के तो और भी डालते होंगे? हाँ, हाँ, ज़्यादा भी डालते हैं। ज़्यादा भी डालते हैं। लेकिन मतलब सबका अपना अपना अलग तरीका है किसानी खेती करने का। तो आपकी जो ये उड़द है ये लगभग फूल इसमें आना कब शुरू होगा? ये कम से कम 1.25 महीना, 1 महीना 10 दिन से लेकर 15 दिन तक। यानी पहली सिंचाई करने के? हाँ, बाद ही। हाँ, बाद में जब इसमें पहला यानी सिंचाई कर देंगे, उस साइड तो आप कर दिए है ना? हाँ। थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो किसान भाई यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो है जो इनके उड़द है उसकी पहली सिंचाई कल ही किए हैं ना? कल ही जो है इसका पहली सिंचाई हो गया है जो इनका उड़द है, आपको हम दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, तो यहाँ पर जो है इनका खुद का मशीन भी है, सिंचाई करने का सुविधा भी खुद का है इनका। तो यहाँ पर जो है पहली जो है सिंचाई होगी। इसके बगल में जो है उसकी किसका है? हमारा ही है, मूंग बोया है। उसमें भी मूंग है? हाँ। उसके बगल में जो है। हाँ। तो इसमें जो है भैया आप पहली सिंचाई अभी किए हैं, तो इसमें यूरिया कब डालेंगे, कितना दिन बाद? वो खेत पके हुए 3-4 दिन पे सिंचाई के बाद। सिंचाई अभी? हाँ। मतलब धूप जैसा है? हाँ, धूप। लगभग 3 से 4 दिन। हाँ, के बाद चार दिन। हाँ। यूरिया डाल देंगे? हाँ डाल देंगे। तो यूरिया डालने के बाद फिर जैसे फूल कितना दिन बाद आएगा अभी सिंचाई करने के बाद? कम से कम 20 दिन बाद। अभी 20 दिन लेगा? हाँ 20 दिन। तो 20 दिन लेगा फूल, उसके बाद इसमें फल कब आएंगे, वो फलियाँ कब लग जाएंगी? फल लग जाएंगे 2 महीने पे, यानी बुआई से लेकर के 2 महीना के अंदर अंदर फल आ जाएंगे। फल आ जाएंगे। इसकी तुड़ाई लगभग कितना दिन में शुरू हो जाएगी? 2.5 महीने। यानी बुआई के 2.5 महीने बाद तुड़ाई स्टार्ट हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें जो है यूरिया वगैरह डाल देंगे इसी बार ना, दूसरी सिंचाई कब करेंगे? दूसरी जैसे मौसम रहेगा, मौसम के ऊपर, मौसम के हिसाब से। ये लगभग कितना पानी लेता है उड़द? 2 पानी से लेकर 3 पानी तक। 3 पानी भी ले सकता है? हाँ 3 पानी। 1 पानी भी ले सकता है जैसे? हाँ, बारिश हो गई। हाँ, बारिश हो गया तो 1 महीना ही, 2 या 3, मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से फिर भी कम से कम 2 पानी तो ले ही लेता है। हाँ लेता है। लेकिन कुछ लोग पहले बोलते थे कि इसमें फूल आए तब पहले सिंचाई करना नहीं, चाहिए। नहीं सब पेड़ सूख जाता है। सूख जाते हैं ना। हाँ। मौसम जैसे गड़बड़ हाँ, है। हाँ। बहुत धूप है, सूख जाएगा। हाँ। तो इसमें आपका तुड़ाई होते हुए लगभग 2.5 महीने। हाँ 2.5 महीने। हाँ 2.5 महीने। तो मार्च में अगर बुआई करे तो जो है बारिश आने से पहले तुड़ाई बुआई मतलब तुड़ाई हो जाती है। अगर हम लेट बुआई करेंगे तो तुड़ाई होने में दिक्कत होगी, बारिश हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हाँ खराब हो जाएगा। और ये जो आपका मूंग है इसके भी कितना दिन लगेगा फूल आने में? इसमें बस वह 2 महीना लगेगा। 2 महीने इसमें? हाँ हाँ फल लग जाएगा, 2.5 महीना में तैयार हो जाता है। अच्छा उड़द और मूंग दोनों उतना ही समय लेते हैं? नहीं मूंग पहले हो जाता है। मूंग पहले हो जाएगा? हाँ पहले हो जाता है। यानी ये
दो महीने में ढाई महीने में तोड़ने लायक हो जाता है, तोड़ाई करा देगी। हाँ, मतलब अभी कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई, यानी जून में इसकी तोड़ाई शुरू हो जाएगी। हाँ, जून, हाँ हाँ, उसके बाद जुलाई जून के लास्ट में बारिश भी होने लगती है। हाँ, तो इसमें आपका टोटल जो है ये लागत कितना बता रहे हैं लगा होगा यहाँ से वहाँ तक उड़द और मूंग का? कम से कम 10-12 हज़ार। किसान भाई इनका जो है उड़द और मूंग का लागत अगर हम बात करें 10 से 12 हज़ार रुपया लागत लग गया है, जो कि यहाँ देख पाएंगे। यहाँ से जो ये मूंग है, उसके बाद फिर आगे जो है मूंग है, फिर ये उड़द इधर रहा, फिर ये उड़द रहा, और उस साइड देखेंगे मूंग रहा, ये टोटल मिला करके 10 से 12 हज़ार। हाँ, 10-12। तो इसमें 10-12 हज़ार आप खर्च करती हैं, इसमें आपको लगभग बेनिफिट कितना मिल जाएगा? कम से कम 35-40 हज़ार मिल जाएगा। तो किसान में यहाँ लगभग 35 से 40 हज़ार रुपया का इनकम इन्हें हो जाएगा, यानी 10 से 12 हज़ार टोटल खर्च होगा। हाँ, जब मतलब पानी अपना यूरिया वगैरह सब लेकर। हाँ, हाँ, पानी अपना घर का रहता है। अच्छा, पानी इनका खुद का है। तो यहाँ से जो है लगभग 35 से 40 हज़ार, ये कितनी तोड़ाई तक के आपका अंदाज़ा है कितना हो जाएगा? मतलब पहली तोड़ाई की, दूसरी तोड़ाई की, तीसरी तोड़ाई? दूसरी तोड़ाई कहे कि मैं जून जून में धान भी शुरू कर देते हैं लगाने के लिए 20 जून से, यानी दूसरी तोड़ाई में ही इतना आपको मिल जाएगा। तीसरी तोड़ाई कर पाएंगे कि नहीं? नहीं 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 हो पाएगा, जुताई करा देंगे। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।